हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए के दिल से। माय नेम इज़ मिताली। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे फर्स्ट वीडियो लेमन राइस को इतना प्यार दिया। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आ गई मैं केक की रेसिपी के साथ। ये है एक एगलेस ड्राई फ्रूट केक जो आप क्रिसमस, न्यू ईयर या किसी भी ओकेशन पर बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट स्किप कर सकते हैं, प्लेन केक खा सकते हैं या इसके ऊपर गनाश लगा सकते हैं और बेस में आप ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं अपना इजी सा चॉकलेट केक। इसके लिए हमें क्या क्या सामान लगेगा? मेजरिंग कप्स एंड मेजरिंग स्पून्स, स्पैचुला, ब्रशेस। मैंने यहाँ 6 इंचेस टिन लिया है। अगर आपके पास ये सामान नहीं है तो आप घर का कोई भी लकड़ी का बड़ा चम्मच ले सकते हैं, घर के टीस्पून्स और टेबलस्पून्स ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। मिक्सिंग के लिए मैंने यहाँ ग्लास का और प्लास्टिक का बोल लिया है, स्ट्रेनर या आटे की छन्नी, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हमें 2/3 कप शुगर। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून शुगर और ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप कोको पाउडर, 1/2 कप ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने बहुत से ड्राई फ्रूट्स को मिक्स किया है, 1 टीस्पून कॉफ़ी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। याद रखिए सोडा ज़्यादा ना लें वरना केक का टेस्ट स्पॉइल हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स 1 टेबलस्पून फॉर डेकोरेशन एंड 1 कप मैदा। मिक्स ड्राई फ्रूट्स में लिया है मैंने काजू, बादाम, वॉलनट्स, किशमिश और इसमें 1 टीस्पून मैदा अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि ये ड्राई फ्रूट्स पूरे केक में इवनली मिक्स हो जाएं और नीचे ना बैठें। वेट इंग्रेडिएंट्स में हमने लिया है 1/2 कप कर्ड, 1/2 कप मिल्क, 1/2 कप रिफाइंड ऑयल और ये सभी हमें रूम टेम्परेचर पर चाहिए और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। तो अब सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है जिसमें हमें सॉल्ट रखना है और उसके ऊपर एक स्टैंड रखना है जिसके ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे ताकि ये प्री हीट हो जाए जब हम अपना केक चढ़ाएं, या फिर आप 180 डिग्री पर अपना ओवन प्री हीट कर सकते हैं 10 मिनट्स के लिए। केक टिन रेडी करने के लिए हमें उसको ग्रीस करना पड़ेगा बटर या ऑयल से। मैंने यहाँ पे बटर यूज़ किया है और थोड़ा सा कोको पाउडर छिड़क कर एक्स्ट्रा कोको पाउडर निकाल दीजिए। तो रेडी है हमारा केक टिन। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब एक बोल लें, उसमें दही और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लें 2 से 3 मिनट तक। याद रखें ओवर मिक्स नहीं करना है और अब स्ट्रेनर की मदद से सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को उसमें डालें और मिक्स करें। इसके बाद एक स्पून की मदद से इन सबको छान लें ताकि अच्छा सा एयर बन जाए। उसके बाद इन सभी मटेरियल को, वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करें जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। जब आपको ऐसी कंसिस्टेंसी मिलेगी अपने केक में तब आप इसके अंदर वेनिला एसेंस मिक्स कर सकते हैं। और अब आप धीरे धीरे अपना मिल्क इसमें ऐड करें और आप देख सकते हैं कि इसमें अब मेरी रिबन कंसिस्टेंसी आ गई है। इसके लिए मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं। याद रखें आप इसको ओवर मिक्स बिल्कुल ना करें और आप अब ऐड कर सकते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स। तो अब केक टिन में केक मिक्स को डाल लें, अच्छे से पूरा निकाल लें और 2 से 3 बार टैप करें ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाएं। फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स अच्छे से डेकोरेट करें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब टिन को कढ़ाई में रख दें 35 to 40 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे और बार बार ओपन करके ना देखें वरना सारा हीट निकल जाएगा, या फिर 180 डिग्रीज पर ओवन में 35 to 40 मिनट्स तक। अब केक के अंदर टूथपिक डालकर देखें कि केक पका है या नहीं। अगर टूथपिक क्लीन निकला है तो गैस ऑफ कर दें वरना 5 to 10 मिनट्स के लिए और चढ़ा दें। अब केक को बाहर निकाल लें रूम टेम्परेचर पर और 30 to 45 मिनट्स बाद नाइफ की हेल्प से उसको डीमोल्ड करें और उल्टा करके एक प्लेट में निकाल लें। देखिए हमारा टिन एकदम क्लीन निकला है और केक बिल्कुल तैयार है। केक को केक प्लेट पे सर्व करें और आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पूरे केक में, ना कि पूरे नीचे बैठे हैं। इन्जॉय योर केक। तो बताइए कैसा बना आपका केक?
डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू एके दिल से। थैंक यू सो मच।